तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है कौन न्यू वीडियो में। अब आज किस वाली वीडियो में अपन कह रहे थे डुओ स्क्वाड हमेशा की तरह आए हुए थे थर्ड एल के अंदर और उतरते साथ ही दो फर्स्ट एड्स। यार क्या करूँगा मैं इसका, यार गन दिलाओ मेरे को, क्योंकि बंदे यहाँ पर आए हुए थे और शायद से एक ही स्क्वाड थी, क्योंकि दिवानशु ने कॉल दिया था मुझे कि भाई एक ही स्क्वाड है। तो मैं फटाफट से गन उठाता हूँ, मतलब दो दो गन्स मिल चुकी थी, वैसे भले ही नहीं थी मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट घुस जाता हूँ सीधा सेंटर में। अब इस बंदे को मेरा फुटस्टेप तो आ ही होगा, लेकिन ये कंफ्यूज होगा कि भाई आखिर फुटस्टेप आ कहाँ से रहा है, बंदा है कहाँ पे। मैं इधर आके चुपचाप बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि भैया ऊपर चढ़ने के लिए ज़रूर आएंगे इधर सीढ़ियों में। अब इसके बाद इसके दो टीममेट्स भी आते हैं, तो उनको भी आराम से लपेट लेते हैं। अब होता क्या है कि भाई ये जो मैच है, मतलब शुरू से लेके आखिरी तक तो बहुत बढ़िया जाने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं, मतलब जादूगर नहीं मिलने वाले, क्योंकि देखो गेम कुछ ऐसा ही हो गया कि भाई हर मोमेंट पे कौन सा जादूगर कहाँ से आके मार के निकल जाए, मतलब पता ही नहीं चला। और आप किसी भी बंदे पर भरोसा नहीं कर सकते कि भाई ये बंदा लेजिट है, बिल्कुल सही तरीके से खेल रहा है। मतलब सारे के सारे बंदे मतलब वही लग रहे हैं यार मेरे को, जिस तरीके से बंदे आ रहे हैं अपडेट के बाद। अब जो भी था, मतलब उनको निपटाने के बाद चौथा बंदा उनका इधर था, देखो सामने की तरफ कैसे फायर कर रहा है दीवानशु के ऊपर। वो पानी में कूद जाता दीवानशु, तो ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। खैर मैं पानी से निकल चुका था, मुझे लगा भाई बंदा पीक वीक करेगा, लेकिन नहीं करता यार। अब मैं इसको देखो नॉक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इस बंदे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल आखिरी तक मार रहा था। जब हम पूरा क्लोजन कर जाते हैं तब इस बंदे को पता चलता है कि अभी दो बंदे हैं और अब बचना मुश्किल है, तो ये जंप करने लग जाता है। अब फिनिश नहीं करते हम इसको, थोड़ी देर तक सोचते कि रॉल पे अगर कुछ बोलेगा तो टीममेट बुलवा लेंगे या फिर कुछ भी ऐसा कुछ, मतलब बोलता है बंदा, लेकिन उस बंदे ने माइक ही ऑन नहीं किया। और इतनी देर में क्या होता है, जी एक बंदा आता है गाड़ी लेके इधर, लेकिन बंदे की किस्मत ख़राब, भाई गाड़ी ठुकती है इसकी और ये बंदा इधर ही फंस जाता है। खैर ये शायद से उसी का टीममेट हो सकता था जो कि पीछे चल रहा था। अब देखो भाई, अगर आप सच में मीटअप करना चाहते थे और आप वीडियो देख रहे हो तो भाई सॉरी, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि भाई मतलब मीटअप वीटअप या फिर कुछ भी टीमअप वगैरह करना चाहते हो यार आप, मतलब निपटा दिया यार मैंने। अब जो भी था, हम इनको निपटाने के बाद गाड़ी वाड़ी तो यही लेकर आ गया था, तो हम गाड़ी लेकर सीधा बंदों की तलाश में निकल जाते हैं। मैं इधर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आता हूँ, ध्यान से सुनना, मेरे को फुटस्टेप है उस वेजिटेबल शॉप में से, तो मैंने गाड़ी मोड़ ली और मुझे देखो एक से ज़्यादा ही बंदे लग रहे थे, इसलिए मैं गाड़ी प्रॉपर कवर में आके रोकता हूँ। अब ये तो बहुत होता है। खैर इसको फिनिश करने के बाद मैं डायरेक्ट उधर ही जाता हूँ, क्योंकि उसके अलावा मुझे और कोई बंदे यहाँ पर लग नहीं रहा था, तो मैं अब डायरेक्ट घुस सकता था। खैर बंदे ने बिल्कुल फुटस्टेप वगैरह तो बंद कर दिए थे अभी तक। ताकि हमें ऐसा लगे कि भाई ये बंदा इधर है ही नहीं, लेकिन देखो मैंने फुटस्टेप बहुत तगड़े वाले सुने थे इसके, तो मुझे पता था कि बंदा इधर ही कहीं मतलब है, और जैसे मैं आता हूँ बंदा मिल भी आता है। खैर उसके बाद हम काफ़ी देर तक भटकते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं भाई, इधर तो अलग ही लेवल था भाई मच रही थी, तो पहुँच जाते हैं हम इधर पार्टिसिपेट करने। अब क्योंकि इनमें से किसी एक के पास आरपीजी भी थी, इसलिए मैं गाड़ी वहाँ पर ना रोककर मैं इधर दूर लाके रोकता हूँ। अब लकीली जिस बंदे को मैंने पहले नॉक किया वही बंदा आरपीजी वाला निकलता है, और उसके बाद तो अपन डायरेक्ट रश कर ही सकते थे यार, क्योंकि बाकी जो बंदे हैं उनके पास ऐसी कोई गनवन नहीं है। खैर स्मोक हो चुका था, और वो आरपीजी वाला बंदा भी रिवाइव हो गया था, लेकिन अच्छे टाइम में पहुँचते हम, वो बंदा हील नहीं कर पाता। और कुछ कोशिश ही कर रहा था बचने वचने की, लेकिन उसी बीच आके उसको नॉक करते हैं और उसके बाद इसके टीममेट्स को भी लपेटते हैं।
और इसी के साथ ये पूरी की पूरी स्क्वाड ख़त्म हो जाती है। अब जब तक मैं इधर पहुँचते हैं, इन्होंने शायद से जो दूसरी स्क्वाड यहाँ पर थी उसकी हालत खस्ती ऑलरेडी थी क्योंकि कुछ बंदे नॉक पड़े थे। अब जब हम इधर पहुँचे तो उसके बाद भी फाइट चली रही थी, तो शायद से इन्होंने जो पहले स्क्वाड जिससे ये फाइट करे थे उनके सारे बंदों को निपटा दिया था, या फिर कुछ बचे भी होंगे तो निकल गए होंगे यहाँ से क्योंकि नदी वदी वैसी है आसपास, तो कूद गए होंगे पानी में। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा इस साइड आ रहा था, मतलब वापस से गाड़ी वाड़ी लेने के लिए, फ्यूल वैसे ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन ब्रिज पर ही हमें स्प्रे आता है एक बहुत तगड़ा वाला, और ये बंदा भाई जादूगर निकलने वाला है यार। अब देखो क्योंकि इसकी ड्रेस भी कुछ नहीं थी तो दिवांशु ने स्कोप इन करके देख वेख लिया था। और मुझे पहले ही वॉर्न कर दिया था कि भाई जादूगर है भाई सब, लेकिन मैंने यार थोड़ा सोचा कि खेल उठाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद दिवांशु के पास तो आरपीजी है ही, कुछ अगर वैसा वैसा होगा तो भाई निपटा देगा आराम से, लेकिन भाई जैसे मैं घुसता हूँ भाई कुछ कर ही नहीं पाता, वो बंदा इजीली नॉक देता है और सीधा ऊपर भी चढ़ जाता है। खैर दिवांशु के पास आरपीजी थी, वो तो अच्छा हुआ, मतलब किस्मत बढ़िया थी हमारी, इसने आरपीजी उठा रखी थी। खैर उसके बाद उस बॉट बोल रहे हैं उस जादूगर को निपटाते हैं, और उसके बाद उसके टीममेट्स की बारी है क्योंकि तीन बंदे भी सामने से आने वाले हैं जो कि एक ही टीम के हैं, और मुझे बिल्कुल 100% श्योरिटी थी कि भाई ये बंदे इसी के टीममेट्स हैं। और ये तीनों भी कुछ कम नहीं थे यार, मतलब अभी इनकी भी शक्तियाँ आपको दिखाता हूँ। अब पहला तो ये बंदा, अब इसकी शक्तियाँ देखने के बाद भाई मैंने सोचा कि इसके टीममेट्स आएंगे तो भाई क्या ही होगा हमारे साथ, इग्नोर करते इनको जोन में पहुँचते और उसके बाद ट्राई करेंगे यार इनको कैसे भी निपटाने का, और देखते हैं कि भाई निपटा पाते कि नहीं। मतलब देखना भी वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इनसे हमारी फाइट कुछ ज़्यादा तगड़ी चलने वाली है, क्योंकि हम बचे थे एक तरफ और दूसरी तरफ वो तीनों बंदे, तो देखते हैं यार इनको मैं स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था इधर आके, फाइनली ये दिखता है मेरे को एक बंदा, और पीछे पीछे उसका दूसरा बंदा भी भाग रहा था, उसका दूसरा टीममेट। अब मैंने सोचा कि भैया यहाँ से एक नॉक निकालेंगे और उसके बाद लोकेशन चेंज करेंगे, लेकिन ये बंदे भाई कुछ ज़्यादा ही फास्ट थे। अब जैसे इसको नॉक करता हूँ भाई, मैंने बग्गी पे देखा, बग्गी पे केवल एक ही बंदा था, यानी जो येलो ड्रेस वाला बंदा था उस वो वहीं पे रुका हुआ है अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई जब तक इस राइट वाले को चल के पकड़ लेते हैं सीधा, तो मैं इधर गाड़ी ला के रोकता हूँ। और ट्रिक काम कर जाती है यार अपनी, आराम से उसको लपेट लेता अकेले में। और मुझे लगा था कि भाई देखो वो टीम मतलब इसके टीममेट्स अभी तक मतलब थोड़ा सा पीछे ही होंगे, तब तक मैं जाके इस बंदे की पेट एक बार लूट लेता हूँ यार, क्या पता तो कुछ बढ़िया सामान मिल जाए। लेकिन भाई ये जो स्प्रे आता ना भाई, मैं समझ गया था कि भाई अभी मैच निकलना इम्पॉसिबल ही लग रहा था मुझे, क्योंकि भाई वो भी दो और हम भी दो, और उनके पास ऐसी शक्तियाँ कि भाई एक बंदा हम दोनों को आराम से निपटा सकता है। अब उसके बाद हम फटाफट से निकलते हैं अंदर की तरफ क्योंकि उन बंदों का रश भी आ चुका था इतनी देर में। मेरे को हील करने था तो मैंने यहाँ पर सीढ़ियों पे मोली फेंक दिया था कि वो बंदे अंदर ना पाए। अब वो बंदे देखो सामने से तो अंदर नहीं आते, लेकिन इतने देर में उनको मौका मिल जाता है थोड़ा फ्लैंक फ्लैंक मारने का, और जस्ट मैंने फर्स्ट एड लगाने के बाद ये बूस्टर ही मारा था तभी ये बंदे इतने देर में पीछे से आ जाते हैं। अब इसको तो नॉक कर दिया था, मैंने दिवांशु को बोला कि भाई कवर चाहिए, उसने मतलब कवर देने के लिए ऐसी मोली वोली भी फेंक दिया सामने की तरफ। मैंने सोचा कि भाई देखो गन पावर में गन फाइट में तो जीत नहीं सकते, तो एक नीड ही कर देते हैं, क्या पता ये बंदा मतलब नीड वेट से फट जाए। लेकिन ये बंदा वापस से पता नहीं कौन सी स्पीड में मतलब इधर से घूम घाम कर अपने ऊपर आया था इतनी जल्दी, जस्ट हम पीछे से इधर ही आए थे लेकिन ये बंदा पूरा घूम के हमारे पास आ जाता है।
अब हर एक मैच का हाल कुछ ऐसा है यार, हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन भाई बंदे आते हैं भाई बिना किसी एफर्ट के, ऐसे प्यार से मार के जाते हैं भाई, क्या ही बोला जाए। खैर कुछ नहीं कर सकते यार, बस वेट कर सकते कि भाई कुछ नया अपडेट आए, ये सारी चीज़ें फिक्स हो और वापस से नॉर्मल गेम हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला है भी कि नहीं पता नहीं मुझे। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।